वहीं आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में होलकर स्टेडियम पर मैच होने जा रहे हैं। इस मैच की तैयारी एमपीसीए की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन कल नगर निगम का अमला एमपीसीए के दफ्तर पहुंचा और कर भरने को लेकर के मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों पर दबाव बनाया गया। वहीं एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खाडेकर के नगर निगम पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के अमले ने एसोसिएशन के अधिकारियों से बदसलूकी कर डराया धमकाया है। जहां क्रिकेट के फैंस की इंतजार बहुत लंबा था, उत्साह बहुत ज्यादा है, तो वहीं इंदौर की शान और इंदौर की आन बचाने के लिए एमपीसीए को लगातार अपने ही प्रशासन से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अभिलाष सर मेरे साथ में है, खांडेकर सर, क्या समस्या कहाँ आ गई, दिक्कत कहाँ आ गई और इंदौर की शान बचाने के लिए एमपीसीए को आउट ऑफ द वे जाना पड़ा? हमको आउट ऑफ द वे जाने का मतलब यह है कि समस्या का मूल मैं आपको बता दूं कि कल मैं जब दफ्तर में बैठा था मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, तो अचानक मुझे बताया गया कि हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे नगर निगम के अफसर आके उनकी कुर्सियों पर जमा हो गए और बोल रहे हैं कि आपके बकाया टैक्स दीजिए और आपकी बकाया कचरा शुल्क दीजिए और बाकी सारी चीज़ें, और हमने जो आपको लिखी थी चिट्ठी उसके बारे में आपका क्या वो है। तो 29/9 को उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी थी हमको, उसी दिन हमने उनका जवाब दे दिया था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की के आयोजन में हम व्यस्त होते समय अचानक 10-12-15 जीप्स और बहुत सारे अधिकारी अपने वॉकी टॉकी लेकर हमारे दफ्तर में घुस जाते हैं रिमूवल गैंग के नाम पर, और बताने की कोशिश करते हैं कि यदि आपने ये नहीं किया तो हम वो कर देंगे। फिर उन लोगों ने बड़ी मुश्किल में हमारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के बाकी छोटे अधिकारियों ने उनको कहा कि हमारा अध्यक्ष महोदय जी मिले, बोले हम क्यों मिलेंगे उनसे। फिर वो मेरे कमरे में आए, लता अग्रवाल और उनके साथ में कई सारे अधिकारी थे, और वो लोग लगभग हमको डराने की उसमें बात कर रहे थे, बोले आपने एंटरटेनमेंट मनोरंजन कर नहीं दिया आपने पिछली मैच का, रोड सीरीज का। मैंने कहा मैडम रोड सीरीज जो है वो बंबई वालों ने ऑर्गेनाइज की थी, हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम है हमने किराए पे दिया था, तो आप ये गलत बोल रही है, उसके हमको मनोरंजन टैक्स देने का हमारा कोई लत। बोले हम तो उनको फोन कर रहे बंबई में और वो ले नहीं रहे फोन। मैंने कहा इसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। दूसरी बात बोली कल के मैच की आपने एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं दिया। मैंने कहा कल मैच तो हो जाने दीजिए मैडम, मैच जब हो जाएगा, जब आपके वहाँ से नोट आएगा, हमारे को जो हिसाब आएगा उसके हिसाब से हम देंगे। कल यदि बारिश हो गई तो क्या होगा, भगवान न करे बारिश हो। लेकिन मूल बात यह है कि ये हमको डराने धमकाने की बात हो रही है, और हमको डराने धमकाने के साथ में इसके पीछे को और दूसरे उद्देश्य है। हम तो क्या छोटे क्रिकेट आयोजक है, हम सरकार से कैसे लड़ सकते हैं, हम नगर निगम के अधिकारियों कैसे लड़ सकते हैं, हम आईएएस अफसरों से कैसे लड़ सकते हैं। आईएएस अफसर बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, बहुत पावरफुल होता है, लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष माधवराव सिंधिया थे, जिसके अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, जिसके अध्यक्ष संजय जगदाले जी थे, अच्छे लोगों ने हमेशा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अच्छा काम किया। इसी वर्ष हमने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है, और हमारे ऊपर किसी भी तरीके का पिछला कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसको हमने ये बता सकता है कि हमारे कोई भी टैक्स का भुगतान हमने नहीं किया हो। हमारी मैच को और इंदौर शहर को जो क्रिकेट का बड़ा आयोजन हो रहा है वो एक इंदौर के लिए एक ऑनर की बात है, उसमें हम कोई खलल देना नहीं चाहते थे। इसलिए मैंने तुरंत हमारे लोगों को आदेश किया कि 32 लाख रुपए जो ये मांग रहे हैं इनको तुरंत दे दीजिए। तो उन्होंने हमको ये कहा हमारे अधिकारियों ने कि ये हमेशा से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड के नाम से हमको प्रॉपर्टी टैक्स बेचते हैं, उसके मतलब कहने का मतलब है कि अभिलाष खांडेकर का टैक्स यदि कोई अनिल शर्मा के नाम पर यदि आप भेजोगे तो अभिलाष खांडेकर कैसे पे कर सकते। तो हमने उनको पिछले 3 वर्षों से हम कागज पे लिख लिख के दे रहे हैं उनको, हमारे पास कागज है मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें हमने कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से आप प्रॉपर्टी टैक्स का बिल रेज करेंगे तो हमको पेमेंट करने में सुविधा होगी। हमारे ऑडिटर सबसे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, 3 साल से नगर निगम ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, और इस मामले को आज भी हमारे पास जो बिल आ रहे हैं वो उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड के नाम पर, ऐसी कोई संस्था ही अस्तित्व नहीं है, और ये नगर निगम का रिकॉर्ड ठीक करने को तैयार नहीं है नगर निगम, लेकिन हमारे ऊपर दादागिरी करने के लिए वो कल सामने सारे लोग आ गए। मेरे को इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां तक बात की जाती है नाराजगी, तो साफ तौर के ऊपर एमपीसीए की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई, लेकिन जहां तक मैच की बात की जाती है तो एमपीसीए की तरफ से सीधा दावा है कि इस मैच की सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और मैच बेहद दिलचस्प होने वाला है। वीरेन के साथ मैं आप शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर।